किशनगंज थाना पुलिस ने ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है जो नकली पुलिस बनकर राजमार्गों पर लूट की वारदात को अंजाम देते थे। आरोपियों के कब्जे से लूटी गई करीब 11 मोटरसाइकिल, 4 लाख से अधिक का लूटा गया माल बरामद किया गया है। इंदौर किशनगंज पुलिस को लगातार राजमार्ग पर लूट की घटनाओं की शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद किशनगंज पुलिस द्वारा सादी वर्दी में 2 जवान राजमार्ग पर लगाए गए थे। वहीं जवानों को 2 युवक संदिग्ध दिखे जिन्हें रोकने की कोशिश की गई। वहीं आरोपियों द्वारा पुलिस जवानों के साथ हाथापाई भी की गई। आरोपियों द्वारा जवानों को बताया कि हम पुलिस वाले हैं। वहीं एक पुलिस के पास वायरलेस सेट जैसा दिखने वाला खिलौना निकालकर सामने रख दिया ताकि पुलिस जवानों को यकीन हो जाए कि पुलिस वाले हैं। लेकिन दोनों जवानों ने सूझबूझ का परिचय देते हुए इन आरोपियों को धर दबोचा व नजदीकी थाने से बल बुलवाकर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि वह नकली पुलिस बनकर वसूली भी करते हैं, वह लोगों से लूटपाट को भी अंजाम देते हैं। इन आरोपियों ने कई वारदातों को अंजाम देना कबूला है। आरोपियों की निशानदेही पर 11 से अधिक दोपहिया वाहन व 4 लाख से अधिक का लूटा गया माल पुलिस ने बरामद किया है। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ की जा रही है, इसमें और भी खुलासे होने की संभावना है। पुलिस के मुताबिक इन आरोपियों पर पूर्व में भी कई अपराध दर्ज हैं। वहीं से पूछताछ की जा रही है कि यह पुलिस बनकर कितने लोगों के साथ लूट कर चुके हैं और वायरलेस सेट जैसा दिखने वाला खिलौना कहाँ से लेकर आए। चौकी मांगलिया क्षेत्र अंतर्गत डिपो के बाहर खड़ा एक ट्रक जिसमें लगभग 324 सिलेंडर भरे हुए थे, वो 10 तारीख की सुबह चोरी होना पता लगा था। 11 तारीख की शाम को थाना छिपरा पर इसकी रिपोर्ट होने पर प्रकरण कायम कर विवेचना में लिया गया है। ट्रक कंपेल चौकी क्षेत्र में बरामद हुआ है और उसमें भरे सिलेंडरों की पतारसी की जा रही है। थाना प्रभारी छिपरा एसटीओपी सामेर के नेतृत्व में एक टीम काम कर रही है। उम्मीद है हम आरोपियां तथा सिलेंडर्स जल्दी पकड़ लेंगे। हाईवे पे लूट करने वाले आरोपी पिछले दिनों और पिछले महीनों गंभीर नदी की पुलिया ग्राम भैंसलाए राहुल पीथमपुर रोड के आसपास लगातार 3-4 वारदातें हुईं, जहां फरियादी सड़क किनारे मोटरसाइकिल खड़ी करके पेशाब कर रहा है, तो इतनी देर में अज्ञात आरोपियां फरियादी की मोटरसाइकिल उठा के ले गए। 21 जनवरी को अभिषेक जैन नामक व्यक्ति को रोककर उसको चाकू दिखाकर उसके साथ हाथापाई कर उसकी मोटरसाइकिल, पर्स और मोबाइल छीनकर ले गए, जिस पर से थाना किशनगंज में लूट का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। लगातार इस प्रकार की वारदातें एक ही रोड के आसपास होने पर एसटीओपी मऊ के नेतृत्व में थाना प्रभारी किशनगंज की एक टीम लगाई गई और इन अज्ञात आरोपियों की पतारसी हेतु आरक्षक सुभाष और रामेश्वर को लगातार मोटरसाइकिल के साथ सिविल ड्रेस में इसी संभावित घटनास्थल जहां से कि पूर्व में आरोपियों द्वारा मोटरसाइकिल चुराई या लूटी गई थी के आसपास लगाया गया। कल शाम को 2 युवक जिनकी मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट पर काली पट्टी लगी हुई थी, उनके द्वारा थाना किशनगंज के हमारी 2 आरक्षक जो कि सिविल में लगाए गए थे उनकी मोटरसाइकिल छीनने की कोशिश की। दोनों ही आरक्षकों के द्वारा बड़ी ही बहादुरी और साहस का परिचय देते हुए न केवल उनको पकड़ा, गुत्थम गुत्था हुई और उनको काबू में पाया, थाने को सूचना दी, थाने से और बल इमदाद पहुंचा और दोनों आरोपियों को थाना लेकर आया। पूछताछ करने पर एक आरोपी ने अपना नाम रवि यादव
निवासी थाना चंद्रनगर तथा दूसरा कपिल सोलंकी थाना चंद्रनगर क्षेत्र का होना बताया। आरोपियों से लगातार पूछताछ करने पर थाना किशनगंज से लूटी गई मोटरसाइकिल, मोबाइल तथा पर्स के साथ साथ अन्य रोड पर से चुराई गई 3 मोटरसाइकिलें और जब्त हुई। आरोपियों द्वारा मोटरसाइकिल सस्ते में अपने जिन 2 साथियों को दी गई थी उनको भी पुलिस ने पकड़ा और उन्हें गिरफ्तार किया है। अभी तक आरोपियों की निशानदेही से कुल 11 मोटरसाइकिलें लगभग 5 लाख रुपए कीमत की बरामद करने में सफलता अर्जित की है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि ये लगातार उस रोड पर घटना कर रहे थे और यदि नहीं पकड़े जाते या कल हमारी पुलिस की टीम नहीं होती तो निश्चित रूप से ये घटना और घटित करते। इस बहादुरी साहस के साथ समर्पण के साथ लगातार कई दिनों से ट्रैप लगाने वाले दोनों आरक्षक सुभाष और रामेश्वर को मेरे द्वारा 5,000 कुल 10,000 रुपये के नगद इनाम से पुरस्कृत किया गया है।